This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 5 जुलाई 2022 और मैं आपकी अपनी निशा लेकर आई हूँ आज का छोटा डोज। तो आइए देखते हैं आज की खबरें। भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 19 जुलाई तक दाखिल किए जाएंगे, जबकि नामांकन प्रपत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नाम वापसी की तारीख 22 जुलाई तक रहेगी। वहीं अगर कोई निर्विरोध नहीं चुना गया तो इस पद के लिए मतदान 6 अगस्त को समाप्त होगा। आपको बता दें, देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 50 साल से अधिक उम्र की उन महिला एवं ट्रांसजेंडर दोषियों की सजा कम करने की योजना बना रही है जिनका व्यवहार अच्छा है। सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के उन पुरुष कैदियों और दिव्यांग बंदियों को भी इस योजना का लाभ देगी जिन्होंने अपनी आधी से अधिक सजा पूरी कर ली है। जो गरीब या निर्धन कैदी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन धन के अभाव में जुर्माने ना भर पाने के कारण अब भी जेल में है, उन्हें भी जुर्माने से छूट का लाभ दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि ये योजना उन कैदियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मौत या आजीवन कारावास की सजा दी गई है या जिन पर बलात्कार, आतंकवाद, दहेज, हत्या और धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम के चलते अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम और बालटाल दोनों तरफ से पवित्र गुफा की ओर यात्रियों का आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जाता है कि बारिश और मौसम प्रतिकूल रहने के चलते ये फैसला लिया गया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 65,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांचशीट 5,000 से अधिक पन्नों का है। जांचशीट में कहा गया कि मामले में अभी जांच जारी है। जांचशीट दाखिल होने के साथ ही पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने सुमन कुमार की गिरफ्तारी के 60वें दिन जांचशीट दाखिल की है। 7 मई को सीए सुमन कुमार और 11 मई को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल से 14 दिन और सुमन कुमार सिंह से 13 दिन ईडी पूछताछ कर चुकी है। यूपी के सहारनपुर में बसपा से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने नक्शा पास न होने की वजह से हाजी इकबाल के घर पर बुलडोजर चलाया है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को नोटिस दिया गया और फिर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इसके बाद कल से तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ। मकान गिरने के बाद ये बंद हो गया। ये अवैध रूप से बिना नक्शे के पारित हुए बनाया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की मेजबान टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है। एजबेस्टन में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले को इंग्लैंड ने 378 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अपने नाम किया। इस मैच की समाप्ति के साथ ही पिछले साल शुरू हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। शाहरुख खान और सलमान खान भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म के लिए एक साथ आ रहे हैं। इससे पहले साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के लिए शाहरुख खान और सलमान खान ने इक्वली स्क्रीन शेयर की थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आदित्य चोपड़ा ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है और साल 2024 की पहली तिमाही तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी।